हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, आज मैं आपके लिए मल्टी कलर का एक बहुत ही प्यारा सा और आसान सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। आप इस डिज़ाइन को किसी भी प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर सकते हो, स्पेशली बच्चों के स्वेटर पे ये बहुत ही सुंदर लगता है। तो फ्रेंड्स, इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें ऑड नंबर पे फंदे चाहिए और चार सिलाई का ये डिज़ाइन है। यानी कि आप ये डिज़ाइन बनाओगे तो आपने ऑड नंबर पे, यानी बेजोड़ फंदे जैसे होते हैं 3, 5, 7, इस तरह के बेजोड़ नंबर के फंदे आपने रखने हैं। ये देखिए बैक साइड इसका और ये इसकी फ्रंट साइड। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी हम ये डिज़ाइन बनाएंगे तो पहले बॉर्डर बुनेंगे और जिस धागे से हमने बॉर्डर बुना है उसी धागे से दो सिलाई हम सीधी तरफ से, देखिए ये सीधी तरफ से पूरी सीधा सीधा बुनेंगे और उल्टी तरफ से उल्टा बुनेंगे। दो सिलाई हमने प्लेन प्लेन बनानी है। ये फर्स्ट रो राइट साइड है, तो पहली सिलाई पूरी सीधी सीधी जिस धागे से हमने बॉर्डर बनाया है, बेस कलर है वो हमारा, उस कलर से हमने फर्स्ट रो पूरी सीधी बनानी है। ये देखिए पूरा हम सीधा सीधा बनाएंगे इस धागे से। देखो मैंने फर्स्ट रो पूरी बुन ली है, सीधी तरफ से है पूरा सीधा सीधा। अब देखिए हमारी सेकेंड रो बैक साइड, पहला फंदा स्लिप किया, इसके बाद पूरी सिलाई हमने उल्टी बुननी है। पूरी सिलाई हम इसे बैक साइड से पूरा उल्टा उल्टा बुन के कंप्लीट करेंगे। देखो सेकेंड रो पूरा उल्टा बुनने के बाद अब हम आगे हैं थर्ड रो, यानी राइट साइड। राइट साइड से हम दूसरा धागा ऐड करेंगे इस पे। आपके पास जो धागा अवेलेबल हो आप उस धागे को यहाँ पे ऐड करिए। उसके बाद देखिए थर्ड रो पहला फंदा सीधा बुनना है, इसके बाद हमने एक फंदा बिना बुने उतारना है, फिर एक फंदा हम सीधा बुनेंगे, एक फंदा हम स्लिप करेंगे। एक फंदा हमने सीधा बुनना है, एक फंदा स्लिप करना है। पूरी रो हमने इसी तरह से बुननी है, एक फंदा हमने सीधा बुनना है, एक स्लिप करेंगे, एक सीधा बुनेंगे, एक स्लिप करेंगे। ये देखिए थर्ड रो हमारी पूरी इस तरह से बनेगी। लास्ट का जो फंदा है इसे हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए अब फोर्थ रो बैक साइड, देखिए एक फंदा हमने उल्टा बुनना है, धागा पीछे, जो फंदा हमने स्लिप किया हुआ है उसे हम सीधा बुनेंगे, ठीक है। धागा आगे, जो हमने सीधा बुना था सीधी तरफ से उसे हमने बैक साइड से उल्टा बुनना है। धागा पीछे, स्लिप करा हुआ फंदा हम सीधा बुनेंगे और धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, यानी फोर्थ रो हमने एक फंदा सीधा बुनना है, एक फंदा उल्टा बुनना है। जो स्लिप करा है उसे हम सीधा बुनेंगे और जो हमने बुना है उसे हम उल्टा बुनेंगे। अब फोर्थ रो हमने पूरी इसी तरह से बुननी है, एक उल्टा एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा। चार सिलाई का ही ये डिज़ाइन है और ये हमारी फोर्थ रो है। फोर्थ रो पे हमने एक फंदा, देखिए जो स्लिप करा हुआ फंदा है उसे सीधा बुनेंगे और जो बुना हुआ है उसे हम उल्टा बुनेंगे। इस तरह से हमारी फोर्थ रो ओवर हो जाएगी। और देखिए इसी को ही हमने बार बार रिपीट करना है, इन्हीं फोर रो को। फिर से हमने यहाँ पे बेस धागा जो है उसे लगाएंगे, पूरी सिलाई सीधी सीधी बुनेंगे। मैंने सफ़ेद धागा लगाया है, क्रीम वाला धागा है, क्रीम कलर। तो फिर से एक सिलाई पूरी सीधी सीधी बुनेंगे बेस कलर से और एक सिलाई पूरी बैक साइड से पूरा उल्टा उल्टा। फिर हम देखिए दूसरा धागा लगाएंगे। अगर आपके पास ज़्यादा धागे हैं तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हो, लेकिन हमने इन्हीं फोर रो को बार बार रिपीट करना है और ये हमारा प्यारा सा डिज़ाइन बनता हुआ जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।